हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी इंटेलेक्चुअल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन, वी शुड नॉट क्वारल डैश आर नेबर्स, एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, वी शुड नॉट क्वारल डैश पेटी थिंग्स। पहले वाले क्वेश्चन में जो मेन अंतर दिया गया है, मेन थिंग जो दी गई है वो ये है कि यहाँ पे क्वारल डैश पर्सन दिया गया है, क्वारल डैश और पर्सन दिया गया है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विद का। वी शुड नॉट क्वारल विद आर नेबर्स, क्योंकि आप पर्सन की बात कर रहे हैं, और जब पर्सन की बात होती है तो हम विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में वी शुड नॉट क्वारल डैश पेटी थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स की बात हो रही है, डेट्स वाई हमें यहाँ यूज़ करना है ओवर, ठीक है। तो वी शुड नॉट क्वारल ओवर पेटी थिंग्स, यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, ऑल आर अस वर सरप्राइज्ड डैश हिज एटीट्यूड, ऑप्शंस आर ऑन अपॉन एट और विथ। और ये 2014 में जो 19 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर जैसा कि आप पता है सभी को, सरप्राइज एट समथिंग का यूज़ हमेशा होता है, तो यहाँ भी एट जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड, जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश ऑन हिज सक्सेस, और ये भी फर्स्ट ग्रेड 19 जुलाई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ऑन अपॉन एट और विथ। तो अपन जब किसी बात पर बधाई देते हैं तो वहाँ पर ऑन का यूज होता है, डेट्स वाई यहाँ भी सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी वर इन्वाइटेड डैश टी ऑन हर बर्थडे, और ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन अपॉन एट एंड टू। ये भी आपके 19 जुलाई 2014 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका, वी वर इन्वाइटेड टू टी ऑन हर बर्थडे, जी हाँ, चाय या डिनर आदि पर बुलाने के लिए इन्वाइटेड टू का यूज होता है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वी शुड नॉट इंटरफियर डैश अदर्स पीपल्स लाइव्स, एंड ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन इन एट एंड विथ। और ये भी आपके 19 जुलाई 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन, वी शुड नॉट इंटरफियर इन अदर पीपल्स लाइव्स, जी हाँ, किसी कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए या किसी व्यक्ति के जीवन आदि में हस्तक्षेप के लिए इंटरफियर इन का यूज होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।